फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। IIMT विश्वविद्यालय में देश का सबसे अनोखा और दिल को छू लेने वाला रिकॉर्ड कायम किया गया। ये अनोखा रिकॉर्ड था पत्नी को सम्मानित करने का। विश्वविद्यालय में 350 पतियों ने अपनी पत्नियों को सम्मानित करके विश्व में रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि यहाँ सभी धर्मों के लोगों ने मौजूद होकर प्रांगण की शोभा बढ़ाई। नारी का पत्नी स्वरूप सम्मान योग्य है और उन्हें किस दर्जे का सम्मान दिया जाना चाहिए ये इस कार्यक्रम में खूब तरीके से बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मशहूर कवि पॉपुलर मेरठी और हरिद्वार से आई शशि साहू रही। शशि साहू ने कहा कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा, साथ ही सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, क्योंकि किसी दूसरे के पहले आपको अपनी इज्जत करना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए और वहाँ आए एक जोड़े ने स्टेज परफॉर्मेंस देकर लोगों का दिल जीत लिया। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूना रे लहरा, उठे ना हाथ मेरी अब इस दुआ के बाद, लब पे इसी का नाम है आता खुदा के बाद, उतरा ना दिल भी कोई इस दिल रुबा के बाद, लब पे इसी का नाम है आता खुदा के बाद, उतरा ना दिल में कोई। कार्यक्रम के बीच में 350 से ज्यादा पत्नियों को उनके पतियों द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया गया, जो खुद में एक विश्व रिकॉर्ड बनकर आया। कैसा लग रहा है आपको मैडम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे आपको गिफ्ट दिया जाएगा? नहीं। तो आज कैसे कुछ कहना चाहते हो हस्बैंड के लिए? बस नहीं, ठीक है। और भी यहाँ पे कैसे लग रहा है मैम आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये जो पहल हुई है, मतलब कभी पत्नी को सम्मान इस तरीके से नहीं दिया जाता था, आज पहली बार है। तो क्या कहना चाहते हैं? होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए मैम कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नारी सम्मान बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ये पहल हुई है, बहुत अच्छा, नाइस, बहुत बढ़िया लगा। हाँ बहुत बढ़िया, आगे भी ऐसे ही होता है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरा सम्मान इतनी अच्छी तरीके से हुआ है, और ये IIMT गंगानगर वाले पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए, और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। तो पत्नी का सम्मान कैसे किया जाता है लाइव तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो प्यार इतना अच्छे से जाहिर हो रहा है। मैम आप बताएंगी कैसा महसूस हो रहा है सार्वजनिक तौर पर सम्मान? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और काफ़ी जो है महिलाएं बहनें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली हैं, जिन्हें जो इस तरह से पहली बार सम्मान मिला, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे जो है महिलाओं को पूरा सम्मान मिले और वो घर से बाहर निकले। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समारोह का भागीदार? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए आदमी तो सम्मानित होते रहते हैं, और लेकिन घर की जो महिलाएँ आम महिलाएँ हैं उनको बहुत कम अवसर ऐसा मिलता है, और इसके लिए मैं योगेश मोहन जी को IIMT को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसा उन्होंने आयोजन करा, और आप सब लोगों को जो आप इसको बढ़ा रहे हैं आगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? जाहिर है खुशी तो चेहरे पर दिख रही है, लेकिन क्या कुछ शब्द कहना चाहते हैं? आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मौके पर आई हूँ यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि हस्बैंड के साथ मैं यहाँ पर आ पा रही हूँ। सर क्या कहना चाहते हैं आप इस तरीके से सम्मानित करके, आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का भागीदार बने हैं, क्या लग? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिली आज मुझे यहाँ पर आके, शायद मैंने शादी के टाइम पे एक बार सम्मान नहीं करा था और आज कर रहा हूँ तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर, थैंक यू। तो पत्नियों से तो हमने पूछ लिया, लेकिन अब पतियों से पूछेंगे कि उन्हें अपनी बीवियों को सम्मानित करके आज कैसा महसूस हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुनीत मुल्तानी है, बहुत अच्छा लग रहा है, और जो काम हम रोज घर पे करते हैं आज सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि घर में पतियों का रूप कुछ और होता है और बाहर बीवी लोगों के सामने दिखाने के लिए कुछ और होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप घर में भी उन्हें इसी तरीके से सम्मानित करते हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं। बोलेंगे सर कैसा लगा आपको आज अपनी पत्नी को? बहुत अच्छा लगा, IIMT हमेशा सही नए नए कार्यक्रम कराता रहता है। बताइए सर कैसा महसूस हो रहा है?
नहीं बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से आए रविकांत शर्मा, रणदीप कोहली और तिथि भल्ला ने बताया कि इस तरह से पत्नियों को सम्मान करने का ये कार्यक्रम विश्व में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता देख यहाँ पर गवाह अमृतसर से हमारे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हेड यहाँ पे मौजूद हैं, इंदौर से मैम मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ कैसा लग रहा है आपको देश में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनता देख? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, थैंक यू। सर बताइए, मतलब पहली बार ऐसा कोई समारोह हो रहा है तो क्या कहना चाहते हैं आप, देश आगे बढ़ रहा है फाइनली? बिल्कुल सही बात है, बहुत एक गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी संस्था ने ये जो रिकॉर्ड को अपने अंदर लिया, क्योंकि आजकल वैसी जो है नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सारा काम जो है संस्थाएं भी कर रही हैं। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर हमारे साथ सर मौजूद है, रविकांत जी मौजूद है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देश में पहली बार ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है और आप उसके साक्षात गवाह हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको देश को ऐसे आगे विकसित होते हुए देख? नमस्कार जी, मैं सेल्फ रविकांत शर्मा। एक्चुअली पत्नी सम्मान समारोह का जब हमारे पास जो है ये अप्रूवल के लिए आया कि इस तरीके से कार्यक्रम मेरठ में होना है, तो कोई भी सर्टिफिकेशन देने से पहले उसकी जो है थ्रू आउट वर्ड जो है वो वेरिफिकेशन की जाती है। तो हमने देखा कि पत्नी सम्मान समारोह का ऐसा कोई भी अभी तक कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है जी। IIMT विश्वविद्यालय को नारी सम्मान में विश्व रिकॉर्ड बनाने पर सर्टिफिकेट दिया गया और कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता ने कहा कि महिलाओं ने पूर्व में भेदभाव का काफी दंग झेला है और आज महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही हैं। और आयोजन में हास्य कवि और जाने माने शायर पॉपुलर मेरठी ने कहा कि स्त्री ममता और प्रेम का आचरण धारण करती है। विश्व में पहली बार पत्नी को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित करने का ये कार्यक्रम अपने आप में एक मिसाल कायम करता है और इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय IIMT के कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता, कुलपति डॉक्टर वीके सिंह, प्रतिकुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, डीन आशय यादव और स्टाफ को जाता है। आयोजन का संचालन डॉक्टर वत्सला ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।